किन्नर चल रहे थे या हिजड़े चल रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हम भी तो गुरु के चरण पर चल रहे थे। काल ने किसी को नहीं, कोई भी हिजड़ा हो या कोई भी किन्नर हो, गद्दी वाला होगा पहचान अपने गुरु के नाम से जाएगा। यहाँ पर कोई बाप के नाम से नहीं पहचाना जाता। कोई अपने बाप का नाम लगा के क्यों नहीं आता साधु, फिर गुरु की क्यों पीट रहा? राम ने खुद अधिकार दिया था औरतों को हट बाजार में अपना किया, तो हाथ में क्या आया? इस्लाम धर्म का पतन हुआ या हानि हुई तो किन्नरों को आना पड़ा, क्योंकि किन्नरों का उपदेवताओं में गिनती है, गिनती थी और गिनती रहेगी। किन्नर हमेशा देवियों के साथ रहे, उन्हें नहलाना धुलाना श्रृंगार करना उनके साथ हंसना बोलना एक सखी बन के रहे। तो जब तुम्हारा समाज गुरु वाला है तो मेरा समाज गुरु वाला क्यों नहीं? और इस्लाम में किन्नरों को पुरुष की उपाधि दी गई, इस्लाम कबूल कराया गया लेकिन उनको पुरुष की इबादत दी गई। हम हज कर सकते थे, हम मस्जिद में जा सकते थे, हम मस्जिद बनवा सकते थे, मदरसे बनवा सकते थे। सनातन धर्म में क्या, जो किन्नर तो कुर्बानी देता आया है और किन्नरों ने कुर्बानी दी है, और हर आत्मा में परमात्मा का वास, और परमात्मा के साथ साथ हर जगह शैतान का भी वास। हमें हमारे बाप ने नहीं अपनाया, हमारी माँ ने नहीं अपनाया, क्योंकि किन्नर को या हिजड़े को सहज के किसने रखा? जब भी रखा तो गुरुओं ने रखा, और जो गुरु ने करा वही किन्नरों ने करा, चाहे हिजड़ा बन के करा चाहे किन्नर बन के करा। क्योंकि राजनीति देख लो, हिंदू और मुसलमान की हो चुकी है राजनीति। आज देख लो ना, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान एक धर्म है। तुम किसी दिन होली पे, दिवाली पे या कोई भी अच्छे शुभ के दिन कौन से दिन लंगोटी और तिलक लगा घर में पूजा करते हो? ये मत सोचो आश्रम में सभ्यताएं नहीं, आश्रम में सभ्यताएं नहीं होती तो ये आश्रम नहीं बनता। शिष्य और गुरु, बेटा और बाप एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे तो आप देश बदलने की सोचो नहीं बदलेगा, आप धर्म बदलने की सोचो नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर सन्यासी जूना अखाड़े से शिष्य से हरिगिरि महाराज जी की हूँ, तेरा मणि से जगरामा परिवार से नागा सन्यासी कमाख्या पीठ से तंत्र साधक। हम तंत्र साधना में एक साधना है जो आदिकाल से थी, और किन्नरों का वेदों में पुराणों में हर जगह उल्लेख, रामायण में 17 जगह है, गीता में 2 जगह स्पष्ट है, भरणला के रूप में, शिखंडी के रूप में, सागर मंथन में देखिए मोहिनी का रूप हूँ, और भस्मासुर के समय में भी महादेव के उसमें भी मुझे आना पड़ा कि भस्मासुर को वरदान दिया महादेव ने तो उस समय मोहिनी का रूप था हमारा। और जब जब भी धर्म का पतन हुआ या हानि हुई तो किन्नरों को आना पड़ा, क्योंकि किन्नरों का उपदेवताओं में गिनती है, गिनती थी और गिनती रहेगी। देखिए काल ने किसी को नहीं छोड़ा तो मेरी सभ्यता भी को भी असर पड़ा। जहाँ धर्म की ज़्यादा पूछ थी वहीं जाके काल ने अपना असर दिखाया, क्योंकि सतयुग में देखिए, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग, तो हर जगह धर्म का हानि हुई। और किन्नर एक ऐसी सभ्यता थी आपके बीच में, नर नारी से पहले उपस्थित हुई है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का अधिकार उनको मिला तो उनने मानव रचना रची, तो सबसे पहले किन्नर ही पैदा हुआ। जब किन्नर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब आप सर्जन करना चालू करा तो उन्होंने करा तो पुरुष ही पुरुष पैदा हुए, तो ये तो बड़ी विवन्ना हो गई। तो फिर माता भुवनेश्वरी से गुहार करी गई, तो माता भुवनेश्वरी ने महादेव की आराधना को बोला, महादेव खुद अर्धनारेश्वर रूप में आई, तो अर्धनारेश्वर रूप में से शक्ति को अलग करा तो ये हरिद्वार के पास ही कनखल है, राजा दक्ष के घर में सती बन के पैदा हुई, शिव सब हो गए। उसके बाद चला सती का और शिव का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद भी फिर उनका शरीर को मिटा, उनके 51 टुकड़े हुए,
उसके बाद जो 51 पीठ बने, उन 51 पीठ की रक्षा करने के लिए किन्नर थे। किन्नर क्या थे कि जैसे अप्सराएं हैं, देवताओं को रिझाती थी, देवताओं का दिल बहलाती थी, और देवता तक ही अप्सराएं रह गई। किन्नर हमेशा देवियों के साथ रहे, उन्हें नहलाना धुलाना सिंगार करना, उनके साथ हंसना बोलना, एक सखी बन के रहे देवियों के साथ। तो वही चीज़ देखा गया, इस्लाम में भी देखा गया। तो उन्होंने अपनी औरतों के लिए, अपने औरतों के हरम में और अपनी औरतों की सुविधाओं के हिसाब से किन्नरों को ले गए। तो आपके हाथ में सब समाज आ गया, किन्नरों के हाथ में क्या आया? इस्लाम। तो ने उन सब के अंदर भी रह के जितने भी सनातनी बच्चे, हिंदू धर्म के बच्चे हमारी परंपरा में गए, क्योंकि गद्दी इस्लामी हो चुकी थी, तो जो गुरु ने कहा वो हमने करा। आज मैं साधुओं से बोलती हूँ, कोई बोलते जी हम गिरी हैं, कोई पूरी है, कोई दास है, कोई अपने बाप का नाम लगा के क्यों नहीं आता साधु, फिर गुरु की क्यों पीट रहा है, वो गुरु के बताए रास्ते पे क्यों साधु चल रहा है। तो किन्नर चल रहे थे या हिजड़े चल रहे थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हम भी तो गुरु के चेहरे पर चल रहे थे। यहाँ पे कोई भी हिजड़ा हो या कोई भी किन्नर हो, गद्दी वाला होगा पहचाना अपने गुरु के नाम से जाएगा, यहाँ पे कोई बाप के नाम से नहीं पहचाना जाता। यही साधु मठों का काम है। जो भी सन्यासी होगा, साधु होगा, तो बिना गुरु के नहीं आएगा, जो गुरु की परंपरा है वही निभाता है। तो जब तुम्हारा समाज गुरु वाला है, तो मेरा समाज गुरु वाला क्यों नहीं था? हमें हमारे बाप ने नहीं अपनाया, हमारी माँ ने नहीं अपनाया, क्योंकि किन्नर को या हिजड़े को सहज के किसने रखा आज तक? जिस जब भी रखा तो गुरुओं ने रखा, और जो गुरु ने करा वही किन्नरों ने करा, चाहे हिजड़ा बन के करा चाहे किन्नर बन के करा। क्योंकि हिजड़ा इस्लाम से आया, तो सनातन धर्म में चलो हम मानते हैं हिंदुत्व की बात होती है, सनातनी की बात होती है, तो जब इस्लाम आएगा तो उधर इस्लाम की बातें होंगी। और इस्लाम में किन्नरों को पुरुष की उपाधि दी गई, इस्लाम कबूल कराया गया लेकिन उनको पुरुष की इबादत दी गई। हम हज कर सकते थे, हम मस्जिद में जा सकते थे, हम मस्जिद बनवा सकते थे, मदरसे बनवा सकते थे। सनातन धर्म में क्या था? जो मेन जगह थी मेरी वो तो आपने छीन ली। नित्य का काम किन्नरों का था, सिंगार का काम किन्नरों का था, राम को लोरी हमने दी, सीता को सदा स्वागन का आशीर्वाद दिया। 16 सिंगार का अधिकार सिर्फ किन्नर को है। साधु भी सिंगार करते हैं, वो अपने गुरुओं के 18 करते हैं, साधुओं के 18, किन्नरों के 16। क्योंकि साधुओं के 18 आप पूछते दो कैसे, वो दाढ़ी रख सकते हैं और गंजे भी रह सकते हैं, ये दो सिंगार हैं। हम वे दोनों नहीं कर सकते, ना हम दाढ़ी रख सकते हैं ना हम गंजे रह सकते हैं, क्योंकि हम जोगने हैं, जोगन के सर पे जोग होगा। और आपकी प्रथा चोटी कटी, हमारे में चोटी कटाना गुना, क्योंकि किन्नर कभी चोटी नहीं कटा सकता था। किन्नर का तो नाई भी संस्कार नहीं कर सकता, नाई भी मुंडन नहीं कर सकता था, तो फिर हमें वहाँ पे भी करना पड़ा, इस्लाम के लिए सर मुंडाना पड़ा, तो फिर सनातन के लिए भी सर मुंडाना पड़ा। किन्नर तो कुर्बानी देता आया है, और किन्नर ने कुर्बानी दी है, और किस लिए दी? आपने तो हमें तीन काम दे रखे हैं ना, रेड लाइट मांग लो, धंधा कर लो, या इलाके में आपके बच्चों को बधाई दे दो, तो आपका मेरा कहाँ है? फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कभी इनको बधाई मत दो? ये हिजड़े हैं, मुसलमान हैं। अरे हम लाख हिजड़े हैं, लाख मुसलमान थे, गाते तो राधा कृष्ण की लोरियां ही थी आपके घर पर जाके। हम अपने बंद कमरों में कैसे जीते हैं, कैसे नहीं जीते हैं? आपने कभी उस बंद कमरों को तो खोल के देखा नहीं, लेकिन हम इबादत करने जा रहे आपने वो देख लिया। क्या प्रॉब्लम थी? अल्लाह को मानो या भगवान को मानो, दोनों समर्पण की ही जगह है, दोनों ही त्याग की जगह। सनातन धर्म में भी त्याग करना है अपने अहम का, अपने अहंकार का, अपने सुविधाओं का, ये त्याग है। और इस्लाम में भी यही दिखाया है, गुरु की बातों पे चलो, गुरु चेला परंपरा वहाँ पे है। उधर भी बोला गया अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी हैं, तो भगवान के बाद संत दिए ना हमारे को,
रास्ता दिखाने को। कोर्ट में वकील दिए, कहने को जज है ना, हम डायरेक्ट क्यों नहीं जज से बात कर लेते। परमात्मा और आत्मा के बीच में एक संत और एक इबादतगार दिया गया है, क्योंकि स्वयं इंसान परिवार रख के परमात्मा से और खुदा से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फैमिली हो चुकी है, उसकी मैं पैदा हो चुकी है। और जो संत औलाद पैदा करके संत बनता है वो समाज को धोखा दे रहा है। जो पीर पैगंबर की अपनी करते हैं, औलाद रखते हैं, फिर पीर बनते, तो वो भी तो समाज को धोखा दे रहे हैं। या तो आप स्वयं समाज बसाइए अपना, या फिर समाज से हटके दीन की तरफ, धर्म की तरफ समाज को लेके जाइए। यही संत का काम है, यही पीरों का काम है, यही हमारे किन्नरों का काम है, या हिजड़ों का काम है। हम समाज का ठुकराए बच्चे को अपने पास रखते, अपना नाम देते हैं, उन्हें बुरी आदतों से हटाते हैं, समाज की बुराइयों से हटाते और अपनी परंपराओं पर लेके चलते हैं। तो हर जगह तीन चीज़ें भी, अच्छी बुरी, बुरी और उससे बुरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर जगह है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो हर विभाग में है। हम साधु बोलें सारे साधु शुद्ध हैं? नहीं। सारे मौलानाएँ शुद्ध हैं? नहीं। तो सारे किन्नर कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हर आत्मा में परमात्मा का वास है, और परमात्मा के साथ साथ हर जगह शैतान का भी वास है। ये तो आपके ऊपर बात है, आपकी एक्टिविटी किस तरफ बढ़ रही है, आपके संस्कार, आपकी आत्मा, आपकी जो भी है परमात्मा से लगी हुई है। रूप तो अलग है, कुरान में देखो स्वयं को बदलो, गीता में देखो स्वयं को बदलो। इन्होंने कब कहा कि मुझे पढ़ के तुम समाज को बदलो? किसी धर्म ने कहा है? तो फिर जबरदस्ती में कुरान सीख के आपको कुरान क्यों सिखाऊं? आपको सुना सकते हैं, सुनिए, सिमरण कीजिए। मैं आपको बोलूं कि आप गीता को सुनिए, समझिए, फिर उसका सिमरण कीजिए। गीता में क्या लिखा है? त्याग से बड़ा कोई चीज नहीं। आपने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, फिर आपको क्या मोह, क्या लालच, क्या आवाधानिक सुविधाओं की जरूरत है? संत को तो कोई जरूरत नहीं है। 2.5 मीटर का कपड़ा लाश को भी पहनाते हैं और साधु भी पहनता है। फिर ये सारी चीज़ आधुनिक चीज़ें, आपके समाज की चीज़ें, जब इन लोगों का हमारे पास आने चालू हो जाती है तो हमें भी उन चीज़ों की आस पड़ जाती है। फिर इन्हों को कमाने के लिए, इन्हों को पाने के लिए, जो शरीर है, जितनी सुविधाओं दोगे उतना ही ये गुलाम बनता चाहे। तो मैं आधुनिक, जब अध्यात्म के क्षेत्र में आते तो आधुनिक चीज़ों को हमारे को छोड़ना पड़ेगा। आधुनिक चीज़ें हैं समाज को बढ़ाने के लिए, यानी कि उस समाज में, उस चीज़ों में हम डूब जाएंगे तो फिर हम रह कहाँ गए? हम संत बनते हैं, साधु बनते, कि सतगुरु के ज्ञान के लिए जाते, किसी सतगुरु के चरणों के पास बैठते, तो उनसे सद्बुद्धि सीखने के लिए, सुविधाएँ लेने के लिए नहीं। सुविधाएँ तो बाप देगा, माँ देगी, और नाम बेटा चलाएगा, वंश बेटा चलाएगा। ये गद्दियाँ चेले चलाते हैं, ये गद्दियाँ चेले चलाते हैं, और ये पैदा नहीं करा जा, आँखों से ही बनाया जाता है। आपको एक बेटा बनाने के लिए 9 महीना लगता है, उसको बड़ा करने में 25 साल लगते, फिर उसे बाप बनाने के लिए एक शादी करनी पड़ती है। यहाँ पर तो 5 मिनट में चेला बनाया जाता है। और गुरु उस समय चेले को बनाता जो गुरु चेला अज्ञानी होता, कुछ जानता नहीं, और गुरु के शरण में रह रहे के गुरु से ही ज्ञान सीख के गुरु को छोटा बना देना, ये चेलों की मूर्खता है। कहते ना, गुरु गोविंद दोनों कड़े, काकर लागो पाओ बलिहारी, गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु नहीं तो बताई गोविंद है। और फिर गुरु की हमने औधे छोटे कर दिए, उनकी सुविधाओं से प्यार है, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार है, गुरु से प्यार नहीं है। तो जब तक शिष्य और गुरु, बेटा और बाप एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे, तो आप देश बदलने की सोचो, नहीं बदलेगा। आप धर्म बदलने की सोचो, नहीं बदलेगा। आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि बेटे का और चेले का रिश्ता बाप और गुरु से छोटा रहा है और रहेगा। लेकिन जब ये पता कब चलता? बाप मरने के बाद पता चलता कि बाप क्या था, तो गुरु के जाने के बाद ही पता चलता कि भाई गुरु क्या था। गुरु के सन्नत में रह के आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि गुरु धो सकता है, लेकिन गुरु कब तक धोएगा?
एक दिन उसे भी तो भ्रम लीन होना है, फिर उसके बाद समय है बदलाव का। अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन अब इतनी आधुनिक हो चुकी है ना, हर एक के हाथ में आधुनिक चीज़ें हैं, हर एक के हाथ में तुम्हारे विज्ञान ने इतनी चीज़ें देखी कि आपका हर चीज़ आपके मोबाइल में आ चुका है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सच झूठ हम ही परोस रहे हैं, हम ही परोस रहे, कोई दूसरा नहीं परोस रहा। जिन्हें पता है उनसे कोई सीखना नहीं चाहता, और जिन्हें नहीं पता है उनसे सब सीखना चाहते हैं। ज्ञानी के पास जाओगे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलने के लिए समय देना पड़ेगा, समय किसी के पास नहीं है, पैसा सबके पास है, समय देना सीखो। सबसे पहले इस आत्मा को समय दो। मेरी आत्मा और मैं तुम्हें कितनी बड़ी लिखी, वही आत्मा तो आपके अंदर भी है, आपकी भी तो आत्मा परमात्मा से बिछड़ के आई है, तो आपकी आत्मा कैसे छोटी हो सकती है? आप मेरे को कदर दे रहे हो, मेरे रूप को कदर दे रहे हो, तो आप भी तो सन्यासी बने हो, आप भी समाज में रहते हो, आप देख रहे हो कि किन्नरों ने 2014 के बाद बदलाव करा तो अपना अखाड़ा बनाया, अपनी जगह बनाई, गाली से धुआं बन गए। क्यों बने? बदलाव, परिवर्तन ही जिंदगी का आगे का विकास है। परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, नहीं तो समाज को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हर एक कोई टैक्स दे रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा है। राजनीति देख लो, हिंदू और मुसलमान की हो चुकी है राजनीति। आज देख लो ना, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान एक धर्म है, एक धर्म है। परमात्मा को या अल्लाह को राह पे चलने का, जो भी पीर पैगंबर हुए उन्होंने क्या चाहा? कि अल्लाह की बनाई उम्मत है और उनके कहने पे चले। और परमात्मा का भी यही कहना है कि आप सतगतियों पे चलो। दोनों कोई सा भी है, चाहे हम इस्लाम में जाएं, चाहे हम बाइबल को देखें, चाहे हम उसको देख ले, ग्रंथ साहब को देख ले, सबने अपने अंदर बदलाव के लिए ही बोला है, समर्पण ही बोला है। और जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपने आप को अपने लिए समर्पण करना है। हम अपने लिए तो समर्पण करें, एक एक इंसान अपने आप को बदले, ना कि मुझे बदलो। आप तुम बदलो, तुम्हें देख के दूसरा बदले उसे। जब फैशन बदल चल सकता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा बदलता है ना, तो इस चीज़ को लाओ ना सामाजिक उसके अंदर। आज देखो कोई भी, हम बचपन में थे, हम थोड़े बहुत जितने भी दिन घर में रहे तो हमारे बुजुर्ग थे, दादी थी या पिताजी थे, या पड़ोस में भी देखते थे, शाम को आते थे, रामायण का पाठ करते थे घर में, हम भी देखते थे। आज बताइए ना, इतने बड़े बड़े तुम्हारे घर हो गए, मार्बल लग गए, सब कुछ लग गए, आप कौन से दिन रामायण का पाठ करते हो घर में? हैं? तुम किसी दिन होली पे, दिवाली पे, या कोई भी अच्छे शुभ के दिन कौन से दिन लंगोटी और तिलक लगा के घर में पूजा करते हो? थोड़ा थोड़ा बदलाव तो करो ना, अपने घरों से बदलाव करो। आश्रम आपको सिर्फ सिखा सकता है, सीखना आपको पड़ेगा। आश्रमों में आज भी सभ्यताएं हैं, ये मत सोचो आश्रम में सभ्यताएं नहीं। आश्रम में सभ्यताएं ना ही होती तो ये आश्रम नहीं बनते। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी होती हैं, विध्वंस होती हैं, फिर ओपन होती हैं। क्यों? ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होता। और ज्ञानी से लड़ना बेकूफी है, अज्ञान से लड़ो। अज्ञान को हराओगे जब भी ज्ञानी बनोगे। आजकल क्या कि हम ज्ञानियों को हरा रहे हैं, जिन्होंने त्याग दिया है, जिन्होंने समाज को त्याग के अपने सब सुविधाओं को त्याग दे, उनको तुम कैसे हरा सकते हो? मैं स्वयं भवानी माँ रेड कारपेट पे चलती थी, ब्रांड पहनती थी, सब छोड़ा ना। मैंने कमाया, मैं ही छोड़ूंगी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मृत्यु तो आपसे छुटा ही देगी। और आपको मृत्यु तक आपने सुविधाएँ नहीं छोड़ी तो आवागमन के बीच में लटके रहोगे, क्योंकि आपका शरीर चला गया, आत्मा आपकी उन चीज़ों पर अटकी पड़ी। आपको जीते जी ही त्यागना पड़ेगा। जो सुविधाएं आपने इकट्ठी करी वो आपको त्यागनी पड़ेगी। मरने के बाद औलाद भी छोड़ोगे, घर भी छोड़ोगे, सब कुछ छोड़ोगे, परमात्मा के पास क्या लेके जाओगे? कोई नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा।
क्योंकि आत्मा खुद नपुंसक है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। जब उस आत्माओं की भीड़ में खड़े होगे, परम परमेश्वर से मिलने की जब आपकी आशा होगी, तो क्या है आपके पास? ये सुविधाएं नहीं जाएंगी। जो सुविधाएं आप इकट्ठी कर रहे हो, जितनी चीजें आप इकट्ठी कर रहे हो, आप शारीरिक वर्ग तो खत्म ही कर दे रहे हो, सब आधुनिक वर्ग पर चल रहे हो, सब मशीनों पर चल रहे हो। आपने सिर्फ अपने आप को कमाने वाला बना लिया। आप पैसा भी दे रहे हो लेकिन समय नहीं दे पा रहे। हर जगह पैसा नहीं चलता, गुरु के पास समय देना पड़ेगा। आश्रमों से बहुत घर बसे हैं, बहुत घर बसे हैं, और आश्रम बसाता ही आया है। अब यह हो गया है कि कोई सतगुरु के पास सत्य आत्मा से चेला बनने नहीं आता। जो भी आता है गुरु के पास कमाने के लिए आता है। भाई गुरु के पास जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाए, वो आया कहाँ से? वो चीजें गुरु को भी सुविधा देती तो वो रखे रखे धूल क्यों खा रही है? गुरु भी चेले को एक बच्चे जैसा पालता है, लेकिन चेले ने कभी गुरु को बाप माना है? नहीं। जो अपने बाप को छोड़ के आए तो गुरु कैसे उम्मीद कर लेगा मैं बाप बन जाऊंगा? गुरु के स्वरूप है, माँ भी बनेगा, बाप भी बनेगा, भाई भी बनेगा, दोस्त भी बनेगा, लेकिन चेला ना बेटा बनता है ना दोस्त बनता है, सिर्फ गुरु के पास लूटने के लिए आता है। और गुरु ऐसा ज्ञान का भंडार है, जितना लूटो उतना ही बढ़ जाता है, और लूटने वाला दोनों हाथों से खाली होता है, कि लूटी हुई चीज किसी की नहीं हुई। आइए देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, ऋषिकेश है, तो यहाँ पे कुछ तो होगा ना, आप हो, हम हैं, ये समाज यहाँ पे आता है। तपोवन, यहाँ पे तपी हुई भूमि है, यहाँ पे संतों ने तप के इसको बनाया गया, इसीलिए इसका नाम तपोवन रखा गया है। यहाँ पे संतों ने ताप किया है, तपस्या करिए, तपोवन कहते। जब तपोवन में बैठे, अरे तपोवन में बैठ के तुमने कितना यहाँ पे कचरा कर देते हो, कितने तुम ईजा पीजा खा लेते हो, कितनी चीज खा लेते हो। अरे कभी आके सादा बनो, ये साधु संतों की जगह है। यहाँ पे लोगों संतों ने अपने शरीर को तपाया है, गलाया है, और परमात्मा के साथ ब्रह्मलीन हो गए, तो उन जगहों पे अभी भी उनके साक्ष्य हैं। और वहाँ पे आधुनिक जूता चप्पल पहन के चढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम गुरुओं की इज्जत करते हैं या दिव्य भूमि की इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे जो इतना सारा कचरा है, इतना सारा प्लास्टिक है, ये तो गुरु जी नहीं लाते, ये तो आप लोग ही लेके आते हो। तो जिस हाथों से इन चीज़ों को लेके आते हो ना, उन हाथों से ना उठाना सीखो। सरकार कोशिश कर रही है, समाज कोशिश कर रहा है, साधु संत कोशिश कर रहे कि प्रकृति बचे। अभी G20 हुआ हमारे देश में, सबने क्या बोला, एक प्लेनेट एक परिवार। तो साधु संतों ने भी ये कहा है कि भाई हम सनातन एक परिवार, हमारे लिए पृथ्वी पहले है, पृथ्वी बचेगी प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। हम प्रकृति ही मिटा देंगे तो हम फिर बेकार की बातें करते जी, अब ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, धर्म बचा लेंगे। तुम देश नहीं बचा पा रहे, अब गंगा नहीं बचा पा रहे, बेटी नहीं बचा पा रहे, गाय नहीं बचा रहे, आप अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पा रहे, तो फिर कौन सा सपना दिखाते हो तुम अपना आप को या समाज को? या तो आप अपना आप को धोखा दे रहे हो या समाज को धोखा दे रहे हो। साधु एक लंगोटी एक धोती में जिंदगी काटता है, आपसे 3 पीस में भी नहीं काटी जा रही, ब्रांडेड जूते में नहीं काटी जा रही है, करोड़ की गाड़ियों में तुम थक जाते हो, और साधु जो पैदल चलता है, सफर तो वो भी कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूं सत्य सनातन ऐसा मॉडल, कहते ना कि एक आधुनिक धर्म समझ लो, एक मॉडल धर्म समझ लो, इसमें सबके लिए जगह है। आज मेरे देश पे विदेशी आते हैं, इस संस्कृति को देखना आते, हमें देखने नहीं आते, लूटने वाले जब आए लूट के ले गए, लेकिन अब संस्कृति अपनाने आते हैं। यहाँ पे जितने फॉरेनर किस लिए आते हैं, वो एक बार को पन्नी उठाते दिखते हैं, वो कचरा उठाते दिखते, लेकिन मेरे देश वाले कचरा करने वाले नहीं घबराते,
तो फिर मैं कैसे कह सकती तुम सभ्यताओं को बचा रहे हो या संस्कृति को बचा रहे हो या धर्म को बचा रहे हो या वेद को बचा रहे हो, तुम तो अपने हाथों सब कुछ मिटा रहे हो। गाय का देखो कितना बुरा हाल है, नारी का देखो कितना बुरा हाल है, नदी का देखो कितना बुरा हाल है, प्रकृति का देखो कितना। इसे कर कौन रहा है? एलियन कर रहे हैं कोई आके? हम ही लोग कर रहे। पृथ्वी के भार से ना किन्नर आया है और ना पृथ्वी से भार किन्नर रहता है, किन्नर पृथ्वी पे ही रहा है और आपके लोगों के बीच में, क्योंकि औरत आदमी की उत्पत्ति ही किन्नर है। जैसे साधु को किसी ने नहीं पैदा करा, साधु को भी औरत आदमी ने ही पैदा करा है। तो फिर यही चीज हम पैदा होते हैं, जो जन्म लिया वो मरेगा तो जरूर। ये कौन सी आपकी सोच है कि हम मरेंगे नहीं या उस लाइन में नहीं लगेंगे? उस लाइन में भी लगना है हमें। शरीर में तो चलो तुम्हारा बेटा देख रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम देख रहे हो। वहां पे कौन होगा? ना कपड़ा होगा, ना शरीर होगा, एक सिर्फ ज्योत के रूप में होगा। परमात्मा के सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे। आप यहाँ से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे। आप वहां पे लाइन में, हाय मेरा घर, हाय मेरे बेटे, आप यहाँ उलझे रह जाओगे तो वहां का रास्ता कौन साफ करेगा? कितनी योनियों के बाद एक मानव जन्म मिलता है और इस मानव जन्म को हम इतना इजी कैसे ले ले रहे हैं? स्वाभिमान के सिवा इंसान के पास कुछ नहीं, और जिसका स्वाभिमान नहीं उसको इंसान नहीं समझती, एक पशु के समान है। और पशु की इंसान के नजरों में क्या है? जंगल का शेर सर्कसों पे नाचता है। तो एक अच्छा खासा विद्वान सुविधाएं और हालात के बीच मजबूर हो जाता है और वो पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ से भी बुरी उस पे आ जाता है। तो अपना आप को बदलिए, बदलाव ही जिंदगी है। किन्नरों ने अपना आप को बदलना चाहा तो आज बदले ना, आए ना धर्म में, क्योंकि मेरी जगह थी, मेरी वेदों में जगह थी, पुराणों में जगह थी। कोई मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं आई और इसके अंदर थोपी गई हूँ, मेरी ऑलरेडी जगह थी, मुझसे छीनी गई थी। और छीनी हुई चीज़ बड़ी आराम से ली जाती है, क्योंकि हमारा था, ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरे लोग हैं, तो मैं तुम लोगों से अलग कैसे हो सकती हूँ? मेरे भी दर्द होता है, मेरी भी आँखें हैं, मुझे भी रोटी खाना है, मुझे भी वो सब चीज़ें यूज करनी, क्योंकि मैंने मानव शरीर से वो लिया है। कोई मैं गमले में पैदा नहीं हुई हूँ या मुझे अफोर्ड नहीं करा गया दूसरे ग्रह से, मैं इसी पृथ्वी पे पैदा हुई हूँ। तो पृथ्वी पे जो भी रचना हुई है वो परमात्मा की उससे हुई है। जो परमात्मा ने बनाया तो वो गाली कैसे बना? आपने मेरे समाज को क्या क्या नहीं बोला, भाई ये रात को मर जाते हैं, जूती से मारते हैं। अरे बेवकूफ हो, जब मेरा समाज इस्लाम में चला गया तो हम कब्र में जाते थे, चिताएं तो हिंदुओं की जलती है। यहाँ पे भी हिंदू धर्म को ही बेइज्जती करा गया और आपको दिखा नहीं, क्योंकि हम किन्नर है ना, हम औलाद नहीं पैदा कर रहे, हमारा कोई पीछे कहने वाला नहीं। आप जैसा चाहो वैसा बेकते चले जाओ, वैसा बेको। लेकिन अब कानून हमारे लिए भी है, उतनी ही बातें करना जितनी हमारे समाज के लिए होती हैं। अपना टाइटल, अपनी रिपोर्ट बना के हमें बेक के रोटी नहीं खाना भाई, हम दुआ देने वाले समाज हैं। और हमको हरा के कोई ना जीत पाया है ना जीतेगा। हम सम्मान के लिए आए, साधु संत फकीर ये भिक्षा पे निर्भर हैं, किन्नर बधाइयों पे है। किन्नरों की बधाई थी, बधाई है, उपदेवताओं में गिनती थी, उपदेवताओं में गिनती है और उपदेवताओं में गिनती रहेंगे। वेदों में थे, पुराणों में थे और आज भी हैं। हम थे कहते तो फिर पुराण खत्म, वेद खत्म। जब तुम हमें खत्म करते तुम्हारे वेद पुराण रह कहाँ गए? कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? सिकंडी कौन था? राजा ध्रुपद का पुत्र था। और राजा ध्रुपद कौन थे? द्रौपदी के भाई। और किससे पैदा हुए थे? अग्नि से। दोनों अग्नि का पुत्र था वो, अग्नि से राजा ध्रुपद पैदा हुए थे सिकंडी। और उसका पहला जीवन कौन था? अंबा, अंबा अंबिके अंबालिके, काशी नरेश की बेटियां थी।
स्वयंवर में से उठाया गया, उठाया ना। जो जिस देश में सम्राट की बेटी उठाई जा सकती है, सीता को घर से निकाला जा सकता है, तो किन्नरों की वहां पे क्या। लेकिन किन्नर दयावान था, दयावान है और दयावान ही रहेगा, क्योंकि किन्नर ने हमेशा समाज के लिए मांगा है। समाज सुखी रहेगा तो किन्नर भी सुखी रहेगा। तुम्हारा एक आश्रम हो सकता है, आपका एक घर हो सकता है, आपका एक परिवार हो सकता है। किन्नर का पूरा देश है, जहाँ पे भी उत्पत्ति होगी नए जन्म की, किन्नर को आना है। जहाँ पे भी नया घर निर्माण होएगा, नया व्यवसाय होगा, किन्नर आएगा। क्यों शुभ का, क्योंकि मंगलमुखी किन्नर को कहा गया। बुध का स्वामी किन्नर है, स्वयं बुध का कहते ना, एक मैं क्यों खुद ग्रह हूँ, मैं सृजनहार भी हूँ, तो मैं एक कहते ना कि मैं एक आत्मा के साथ साथ एक मैं यम भी हूँ, मेरी दुआएं लगती भी हैं तो मेरी बददुआएं भी काम करती हैं। और किन्नर जब बददुआ देते हैं, नर नारी उसे झुकाने की कोशिश करते हैं, और किन्नर को हराने की, किन्नर ना हारा है ना हारेगा। आप कितना भी लड़ाई करो, कितना भी हमें हिजड़ा मामू छक्का जो बोलना बोलो, लेकिन सुबह उठ के हम आपके लिए दुआ करते भाई किसी को खुशी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पुकारते तो हो ना। तो इसीलिए है कि हम किसी पे क्यों कमेंट कर से। काल ने हमारा भी गति पलट दी थी, तो आज हम आए ना वापस, आए सनातन धर्म में जगह मिली, वापस सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए गुरु चेला परंपरा, दो ही यहाँ पे परंपरा है, एक व्यवसाय और एक परंपरा, ये दो प्राचीन काल से चली हैं। देह व्यापार प्राचीन काल से चला और गुरु चेला परंपरा ये प्राचीन काल से, बाकी सब खत्म। नारियों को वापस समाज में स्थान दिलाना महर्षि वाल्मीकि जी की देन है। हट बाजार में औरतों को ठिया लगाने का नहीं, तो जो नारी निकाल दी गई वो नगर बधुरनी, ये महर्षि वाल्मीकि की देन है। जो नारियों को आज हट बाजार में अपना ठिया लगाने का अधिकार मिला, हम करते जी आज हमारी सरकार मोदी जी कहती है जी आत्मनिर्भर भारत, तो जो हमने आत्मनिर्भर भारत, ये तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले करा ना, हाथ के जो भी कारीगरी बनाए, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, ये करना, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से हुआ ना शुरू से। राम के जमाने में राम ने खुद अधिकार दिया था औरतों को हट बाजार में अपना ठिया लगाने को, नहीं तो उससे पहले नहीं लगाया जाता। हट बाजारों में नगर वधुओं का काम था, जो औरतें छोड़ दी जाती थी वो नगर वधु बन जाती थी, लेकिन उन्हों के लिए भी महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम रखा वहाँ पे, उन औरतों को जगा दी, ना कि उन्हें नगर वधु ना बन के उन्हों को एक व्यापारी बनाया, उनका स्वाभिमान जगाया। आज हम कहते 33%, अरे सबसे पहले अधिकार मिला हमारी औरतों को, उन बालकों को राम की विराट सेना को हरा देने का, उनके अंदर बल बुद्धि और शक्ति देने वाले कौन थे, महर्षि वाल्मीकि, जो राम की विराट सेना हरा दी, हराई ना, अबोध बालक। जब बालकों को इतना कष्ट थे तो फिर नारी, नारी तो खुद शक्ति है, और नारी को नर हराएगा स्वयं हार जाएगा, कि प्रकृति, प्रकृति माँ है, आकाश बाप है, वो कहर कर सकता, ये कहर झेलती है, और ये जब अपने पे आती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य मिटा देती है। ठीक है, माँ ही जीवन देती है और माँ ही जीवन ले भी लेती है, तो माँ को इतना मजबूर मत करो कि अपने विकराल रूप पे आ जाए। अभी देखा ना, कोरोना ने सब बंद कर दिए, कहा था घर घर में नाचेंगी बाला, बंद होंगे मस्जिद और मंदिर, हुए ना, काबा बंद हो गया, सारे मंदिर बंद हुए, हुए ना, सिर्फ एक कोरोना ने कर दिए थे। और आप भी प्रकृति को अब नहीं समझोगे, और ये सब हमने करा है, हमने जितना प्रकृति के साथ खेल किया है उतना ही हमने नाश उठा रहे। आने वाला जनरेशन, पहले हमारे 100 साल तो होता था,
अब 65, 60, 70 खत्म। धीरे धीरे हम जन्म को खत्म करें, धीरे धीरे जिंदगी खत्म कर रहे हैं। आने वाला बच्चा क्या होगा, कितने दिन चलेगा? सामाजिक एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी तो आप खत्म करती जा रहे हो। सुविधा, आधुनिक सुविधाओं को कम करो। आधुनिक सुविधाएं प्रकृति के लिए हैं, ठीक है ना, समाज के लिए हैं। उन आधुनिक सुविधाओं को उस जगह देखो, इससे प्रकृति को क्या फायदा हो रहा है। उन सुविधाएं से प्रकृति को नाश, नारी को नाश हो रहा है, तो उस चीज को हम अवॉइड करें। और हम ही छोड़ेंगे तभी होगा, हम नहीं छोड़ेंगे ये चलता रहेगा, क्योंकि छोड़ना तो पड़ेगा। शरीर भी छोड़ना है, ये सोच लेना, बेटा भी छोड़ के जाना है, दौलत भी छोड़ के जानी है, शौहरत भी छोड़ के जानी है, अपने पैरों से लेके आसमान तक की बिल्डिंग बना जाए वो भी छोड़ के जानी है। नहीं तो बड़े से बड़े टाटा बिरला मरते नहीं, सब मरे हैं, ठीक है ना। जिसने जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है वो नापेद भी होगा, जो पैदा हुआ है नापेद भी होगा, जो पैदा हुआ मरेगा। जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु है, ये सोच लिया। और मृत्यु सत्य है, मृत्यु के काल के गाल में आने के बाद ही काल खत्म होगा, नहीं तो हर रोज कल है। रोज उठो कल है, और कल उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप काल के गाल में चले जाओगे। तो काल का गाल किस दिन खुलेगा ये आपको नहीं पता है। जन्म का पता भी, आपके बच्चा ठहर गया 9 महीने बाद पैदा ही होना है, लेकिन आपको ये नहीं पता मृत्यु आपके 2 मिनट बाद भी आपकी लिखी है। तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं है कि कभी भी आ सकती है। तो सारी सुविधाओं से आप, मैं नहीं कहती कि इनको छोड़ दीजिए, लेकिन इनसे थोड़ी दूरी बनाइए। दूरी बनाओगे जब ही समाज बचा पाओगे। जय श्री महा।